गला सरसों का तेल बेचने पर होगी जेल, भरना होगा लाखों का जुर्माना। कोरोना काल में खुला सरसों का तेल या कोई अन्य खाद्य तेल की बिक्री करने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार ने इसी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी राज्यों को इन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार का मानना है कि खुले तेल की बिक्री से मिलावट को बढ़ावा मिलता है और मिलावट से बीमारियां फैलती हैं। पैकबंद सामान पर किलोग्राम का गलत सिंबल लिखने पर नहीं लगेगा जुर्माना। लॉकडाउन के बाद कारोबार को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब पैकबंद सामान पर मात्रा में किलोग्राम का सिंबल गलत लिखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार कंपनियां अनजाने में इस तरह की गलतियां करती हैं। इसके साथ ही कंपनियों को नई पैकिंग पर किलोग्राम का सिंबल सही तरीके से लिखने के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। चीनी मोबाइल कंपनियों को सता रहा डर, भारत में रोका निवेश। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के चलते चीन का डर बढ़ गया है। इसी को देखते हुए चीन की स्मार्टफोन कंपनी निर्माता अपने विनिर्माण संबंधी निवेश को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि ओप्पो और वीवो जैसे प्रमुख स्मार्टफोन निवेशकों ने अब तक भारत की महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, जबकि पहले ये कंपनियां इस योजना में रुचि दिखा रही थी। वहीं PLI योजना के लिए एप्पल के फुलिये फोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन और विक्सट्रॉन ने आवेदन कर लिया है। इनके अतिरिक्त डिक्सॉन लावा और कार्बन जैसी घरेलू निर्माता ने भी आवेदन किया है। मालूम हो कि इस योजना के तहत आवेदन के लिए भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 31 जुलाई तक का ही वक्त दिया है। भारत का नंबर वन लेदर शू मैन्युफैक्चरिंग हब खादी पर होगा शिफ्ट। महामारी के चलते आगरा के जूता कारोबारियों ने नए उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। मजदूरों की कमी और विदेशी ऑर्डर रद्द होने के चलते जूता कारोबारियों का बिजनेस ढहने से लगा है। इसी के चलते कारोबारियों ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि कुछ कारोबारियों ने अब खादी के जूतों पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कई तरीकों से गेम चेंजर साबित हो सकता है। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर के अध्यक्ष पूरन रावत ने बताया कि कुछ कारोबारियों ने खादी जूतों के सैंपल केंद्रीय प्राधिकरण को भेजे हैं। प्राधिकरण से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। GST रिटर्न भरने में देरी के लिए अधिकतम फाइन ₹500 तय। GST करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए GSTR 3B फॉर्म भरने को लेकर मैक्सिमम लेट फाइन ₹500 प्रति रिटर्न सीमित कर दिया है, और ये सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इसकी इस अवधि की GSTR 3B फॉर्म 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का